नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। टिकट ऐलान के बाद प्रदेश में नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुल के सामने आ रही है। इसी कड़ी में टीकमगढ़ जिले की खगरपुरा विधानसभा से टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व कांग्रेस नेता अजय यादव अब न्याय यात्रा निकालेंगे। उन्होंने एक बयान भी जारी किया है। पूर्व कांग्रेस नेता की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में न्याय यात्रा निकालेंगे। यात्रा की शुरुआत दुबदेई माता मंदिर से शुरू होगी, जो खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में घर घर जाकर जनता के बीच न्याय की अपील करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के साथ जो अन्याय किया है उसका फैसला अब जनता करेगी। दरअसल कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष और पीसीसी डेलीगेट अजय सिंह यादव ने रविवार को पूर्व सीएम कमलनाथ को पत्र भेजा था। पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सभी पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने विश्वास दिलाया था कि इस बार उम्मीदवार चयन में पिछड़े वर्गों को उनका हक और अधिकार दिया जाएगा। देखिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से पार्टी टिकट वितरण में पिछड़े वर्गों की अनदेखी की गई, सभी में भारी रोष है। आज सभी नागरिकों साथियों के साथ बैठक के उपरांत सभी ने निर्णय लिया कि खरगापुर विधानसभा क्षेत्र में न्याय यात्रा निकाली जाए। खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में आम जन के बीच में हम अपनी बात रखेंगे, न्याय के लिए अपील करेंगे और जनता ही न्याय करेगी। माता दुबदेई मंदिर से न्याय यात्रा प्रारंभ होगी। यह खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के जनता की न्याय की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लगातार लड़ेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।